नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल जॉबस्ट्रे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि विभाग की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके ऊपर। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, बिहार की जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में न्यू रिक्रूटमेंट है जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में है। अब दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें 10th पास, 12th पास और यहाँ पे ग्रेजुएट पास जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो है भरी जा रही है 7 मार्च 2022 से ही, और इसकी लास्ट डेट जो है 27 मार्च 2022 का समय रखा गया है, जो कि टोटल 20 दिनों का यहाँ पर समय दिया गया है। इसमें आप लोग का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एज क्या रखा जाएगा, किस तरह की इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सैलरी आप लोग की जो है यहाँ पे 35,000 पर मंथ से स्टार्ट होने वाली है, और वैसे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए जो है अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देते हैं तमाम जानकारी डिटेल में। आप दोस्तों देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है RPCAU/02/2022 का है, और ये डेट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 7 मार्च 2022 के लिए है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म मैं फिर से बता दूँ 7 मार्च से स्टार्ट हो गई है और 27 मार्च 2022 तक इसे आप लोग आवेदन कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो आपको जो अलग अलग सभी पे जो है वह देख सकते हैं 9 ऐसे अलग अलग पोस्ट है जिसपे अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए अलग पोस्ट है, टी कंट्रोलर के लिए अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अलग है, असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए अलग पोस्ट है, उसका सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट दी गई है, पर्सनल असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की यहाँ पे पोस्ट दी गई है, अपर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, जूनियर स्टेनोग्राफर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी यहाँ पे आप लोग को पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है कैटेगराइज करके दिया गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है, डिप्टी कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट दी गई है, असिस्टेंट के लिए जो रजिस्ट्रार है उसमें भी अलग अलग है, तो एक एक जो पोस्ट जनरल के लिए दिया गया है। असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 2 दिया गया है, डिप्टेशन में यहाँ पे 6 है, और इसी में जो है वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देख सकते हैं ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 दिया गया है। सेक्शन जो ऑफिसर है फाइनेंशियल कैडेट के लिए उसमें 2 पोस्ट दी गई है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 4 है, अकाउंटेंट के लिए 3 पोस्ट दी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो कि डिप्टेशन के लिए 20 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जनरल में जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 10 पोस्ट है जो कि यहाँ पे 10 में से देख सकते हैं, ओबीसी के लिए भी अलग से 5 पोस्ट है, एससी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है पोस्ट वाइज हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो डिप्टेशन रजिस्ट्रार की है उसमें 2 पोस्ट जो जनरल के लिए है, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसमें पे लेवल आप लोग का जो है वह 7 मैट्रिक्स पे जो है 12 के ऊपर यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। 50 से लेकर अगर आप लोग की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 साल तक है तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो दिया गया है, वैसे नहीं भी होगा तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है आप लोग का जो मास्टर डिग्री होना आवश्यक है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया जानकारी, और इसी तरह जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी जो है वह मास्टर डिग्री होना चाहिए, 18 से लेकर जो है 40 वर्ष तक आप लोग का एज दिया गया है, 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं पे दोस्तों जो आप लोग का पीरियड ऑफ जो है वह प्रोबेशन के लिए 2 साल का यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे आप लोग का जो मेथड है वो दिया गया है रिटर्न एग्ज़ाम का, 250 नंबर का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। जीके जीएस 50 नंबर के होंगे, लैंग्वेज के लिए 100 नंबर, सब्जेक्ट मैटर के लिए 100 होंगे, इंटरव्यू आप लोग का 100 मार्क्स यहाँ पे होने वाले, ये चीज़ दिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी यहाँ पर आप लोग का पोस्ट दिया गया, तो आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो अच्छे से। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पोस्ट बता रहा हूँ जो कि 10th पास और 12th पास वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो भर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो आप लोग का यहाँ पे दिया गया उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्ट जो है वो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है जो कि यहाँ पर दिया गया है, क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, पे लेवल यहाँ पे 4 और पे मैट्रिक्स 7 पे यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 18 से लेकर 30 साल तक जो भी कैंडिडेट है मेल या फीमेल वो आवेदन कर सकता है। इसमें जो भी कैंडिडेट के पास 12th की अगर डिग्री है
तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेनोग्राफर का यहाँ पे जो है वो मांगा गया है, अगर स्टेनोग्राफर आपके पास है हिंदी और इंग्लिश के 80 वर्ड पर मिनट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट है जो है इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट आप लोग का जो है हिंदी में कंप्यूटर पे यहाँ पे जो है लिया जाएगा, और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसमें भी आपका 250 नंबर का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्रॉपर आप लोग दे सकते हो। और जो है 50 नंबर का आप लोग का यहाँ पे एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये रही आपके पास जानकारी, अगर आप लोग को और भी डिटेल में जानना हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, तो 27 मार्च 2022 से पहले आप लोग को अप्लाई कर लेना है, जिसके लिए लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन अप्लाई का जहाँ से हो रहा है वहाँ पे आप तुरंत जो है पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे इसकी जो है फीस के बारे में मैं दोस्तों बता दूँ, तो ये फीस आप लोग का यहाँ पे जो बताया गया है कि जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपया यहाँ पे फी पेमेंट देना होगा। अगर आप लोग SC ST या PWD वाले या वुमेन कॉल जो कैंडिडेट है तो आप लोग को 500 रुपया यहाँ पे फी लगने वाला। अगर आप लोग जो है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव से है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपया लगेगा, और SC ST या PWD वाले कैंडिडेट को किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। मैं दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर सभी जानकारी दे दिया हूँ। अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल या सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।